नमस्कार दोस्तों, मैं किसान दोस्त चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका किसान दोस्त यज्जाद। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फास्ट जैविक टॉनिक के बारे में, जिसका इस्तेमाल यदि आप अपनी फसलों पर करते हैं तो फसलों की जो बढ़वार है, जो ग्रोथ है, वो काफी बेहतरीन होगी। साथ ही दोस्तों, इसे आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर दोस्तों आज का वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही जो भाई नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करते ही पास में घंटी का निशान आएगा, उसे दबा दे, ताकि जब भी हम यहाँ खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी डालें तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सुपर फास्ट जैविक टॉनिक को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 लीटर गौमूत्र की, 2 किलो सहजन की पत्तियों की, साथ ही 5 लीटर सादे पानी की, एक प्लास्टिक के बर्तन की या फिर मिट्टी के घड़े की। दोस्तों, सहजन को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे बाहर के जो किसान हैं, उनको पता नहीं रहता है कि सहजन क्या है। तो उसके लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं अपने खेत पर। पहले मैं सहजन के बारे में जानकारी दे देता हूं कि सहजन के पत्ते कैसे होते हैं, उसके फल कैसे होते हैं। इन सारी बातों को जानकर फिर हम इसकी कैसे बनाए, उस विधि के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, खेत पर चलते हैं। दोस्तों, ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सहजन और इसे मुनंगा भी बोलते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से, अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से इसकी पहचान है। तो वीडियो के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से अपने वहाँ इसे किस नाम से जानते हैं, आप आसानी से पहचान कर सकें और इसका उपयोग कर सकें। दोस्तों, ये जो पेड़ होता है, पूरा ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी जड़ से लगाकर तना, पत्ते, छाल, सारी ही औषधीय गुणों की मात्रा इनमें भरपूर रहते हैं और कई प्रकार की बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके बारे में और अधिक आप गूगल में सर्च करके भी ले सकते हैं कि किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, अभी फ़िलहाल इसके पत्ते बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि फली आ रही है, इसमें फल बनने की अवस्था है, तो पत्तियाँ सूख गई है। और ये देखिए दोस्तों, ये इसकी पत्तियाँ है और हरी भरी पत्तियाँ रहती है, छोटी छोटी पत्तियाँ रहती है, और इन पत्तियों का हम उपयोग टॉनिक के रूप में करते हैं। और साथ ही दोस्तों, इसकी फली भी मैं आपको बता दूं, इस तरीके की इसकी फली रहती है। फली का उपयोग हम सब्जियों में करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बीज भी बता देता हूं, इसके इस तरीके के इसके बीज रहते हैं और बीज का उपयोग भी कई कामों में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसे किस तरीके से हम बनाएं। इसे बनाने के लिए दोस्तों, आपको 2 किलो सहजन की पत्तियों को अच्छे से बारीक कूट लेना है, पीस लेना है, मिक्सी में भी पीस सकते हैं। पीसने के बाद इसे आपको एक बर्तन के अंदर डालना है। उसके ऊपर से दोस्तों, आपको 5 लीटर शुद्ध देसी गाय का गौमूत्र मिलाना है। और गौमूत्र दोस्तों, जब भी आप इकट्ठा करो तो प्लास्टिक के बर्तन में करना है, धातु के बर्तन में आप इकट्ठा ना करें। उसके बाद ऊपर से आपको 5 लीटर सादा पानी इसके अंदर मिलाना है। जब ये सारी सामग्री घड़े या प्लास्टिक के बर्तन में इकट्ठी हो जाए, और तो फिर इसको आपको एक डंडे की सहायता से हिलाना है। हिलाने के बाद दोस्तों, इसके ऊपर एक इसका जो मुंह होता है बर्तन के, उसके ऊपर आपको कपड़े से इसे ढक देना है, अच्छे से टाइट करके छांव के अंदर रखना है। और दोस्तों, 5 दिनों के लिए इसे रखना होगा, और 5 दिनों में आपको सुबह और शाम दोनों टाइम इसको डंडे की सहायता से हिलाना है। दोस्तों, 5 दिनों के बाद जब आपका जैविक घोल तैयार हो जाता है, तो उसे एक कपड़े की सहायता से छान ले, निचोड़ ले, और जो पत्तियां हैं उन्हें अलग कर ले, और फिर इसका स्प्रे आप अपनी फसल पर कर सकते हैं। फसल पर स्प्रे करने के लिए दोस्तों, 500 ml मात्रा आपको इसकी घोल की लेनी है, 15 लीटर पानी में मिलानी है, और खड़ी फसल पर आपको इसका स्प्रे करना है। साथ ही दोस्तों, आप इसका स्प्रे सभी प्रकार की फसल पर कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और स्प्रे का जो अंतराल है, वो आपको मैं बता दूं, 7 दिन के अंतराल में आप इसका दोबारा से स्प्रे आसानी से अपनी फसल पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कहीं कहीं रिजल्ट कम मिलता है, उसका कारण ये रहता है कि जहां आपने पहले से रासायनिक दवाइयों का स्प्रे कर रखा है, तो फिर इसका रिजल्ट आपको थोड़ा कम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और जैविक टॉनिक मैंने वीडियो बनाया है उसके ऊपर, तो वो भी आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाई तक शेयर करिएगा, और दोस्तों जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।